हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन आर्ट। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने सेंसवेरिया के बारे में, उसकी केयर के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ। सो फ्रेंड, ये एक बहुत ही इजी टू मेंटेन, बहुत ही हार्डी प्लांट है। ये हर तरह के क्लाइमेट में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। चाहे आप इसको शेडी एरिया में रखिए, चाहे फुल सनलाइट में रखिए, चाहे इंडोर रखिए। इसको अगर लाइट कम भी मिलती है तब भी ये बहुत अच्छा जाता है। फ्रेंड्स, ये एक इंडोर और प्लांट भी लोग कंसिडर करके चलते हैं, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे घर में से कंज्यूम करता है और ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करता है। सो ये एक ऐसा प्लांट है जो हर घर में होना चाहिए, क्योंकि इंडोर प्लांट में ही यही एक ऐसा प्लांट है जो मैक्सिमम ऑक्सीजन हमारे इंडोर में प्रोवाइड करता है, हमारे एटमॉस्फेयर में हमें प्रोवाइड करता है। सो चाहे हम इसे अंदर रखें चाहे बाहर रखें, तो ये जो है ना, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड लेके और हमें मैक्सिमम ऑक्सीजन देने वाला प्लांट है। फ्रेंड्स, रही इसकी केयर की बात, तो इसको जो है वेल ड्रेन सॉइल पसंद है। फ्रेंड्स, इसकी सॉइल में पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसको जो है एक बार पानी फुल देने के बाद, जब इसकी सॉइल बिल्कुल ड्राई हो जाती है, तब जाके हमें दूसरी बार इसका पानी देना चाहिए। और इसकी सॉइल में अगर पानी रुकता है तो इसके ये जो है ना फ्रेंड्स, इसकी रूट्स रॉट कर जाती हैं और ये फ्रेंड प्लांट डाई कर जाता है। ज़्यादा पानी देने से इसकी लीव्स भी बहुत लेगी लेगी सी हो जाती हैं और थोड़े टाइम के बाद जो है ये पीली हो के डेड हो जाती हैं। तो इसको कम पानी चलेगा, लेकिन इसको ज़्यादा पानी देने से ये प्लांट जो है वो जल्दी डाई कर जाता है। और रही इसको, इसकी सॉइल, तो चाहे आप इसको सैंडी में लगाइए, चाहे आप इसको वेल ड्रेन सॉइल में लगाइए, लेकिन इसको हमें ज़्यादा ओवर वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम फुल सनलाइट में या लो सनलाइट में भी रख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये प्लांट जो है हर घर में होना चाहिए। आज की डेट में जैसे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, उस हिसाब से हमें ये एक ईजी टू मेंटेन प्लांट है। अगर हम कहीं बाहर भी जाते हैं तो इस प्लांट को कुछ भी नहीं होता, अगर ज़्यादा दिन भी पानी नहीं मिलता। किचन में इसको ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि किचन में बहुत अधिक स्मोक होता है, और बेडरूम्स में भी रखना चाहिए टू प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी इस प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन। आपको मेरी ये प्लांट जो है, सॉइल, एक छोटा सा प्लांट जो है वो अपने आप में ही मल्टीप्लाई होके बहुत सारे प्लांट्स बन जाते हैं। मैंने भी एक प्लांट लिया था और जो है वो एक से मैंने 4-5 प्लांट्स वो कर लिए। ये नीचे से ही जो है स्प्राउट करता है और एक छोटा सा गमला भी थोड़े दिनों के बाद जो है फुल हो जाता है, और उसके बाद जो है ना हम इसको डिवाइड करके इससे और गमले तैयार कर सकते हैं और वो कर सकते हैं। बहुत लो केयर वाला प्लांट है। और ये इस तरह से, ये फ्रेंड्स, ये यहाँ से अपनी अलग अलग शूट्स निकालता है, तो और उसके बाद क्या है, इसको हम डिवाइड करते हैं तो हम एक से बहुत सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी वीडियो इस सेंसवेरिया या स्नेक प्लांट को लेकर। आपको मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और प्लांट्स के बारे में भी आपको के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।